लिए किसी संबंधित ऑल अपडेट्स नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बच्चों का सबको सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। क्या हार में क्या जीत में, चिंतित नहीं भयभीत में, कल तक पथ पे जो भी मिला या भी सही वा भी सही, बलिदान नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। मैं रजनीश रंजन एक बार फिर से आप सभी को बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज एक मोटिवेशन वीडियो के तौर पे आप सुने होंगे, मैंने एक पंक्ति को कहा था, ये पंक्ति हमारे महान महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी का पंक्ति है और इस पंक्ति से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और जान सकते हैं। हार और जीत, ये आप लोग जो अभी बीएचयू एंट्रेंस का जो एग्जाम हुआ है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर कम आया है, तो वो लोग को ऐसा लगता है मैं खुद से हार गया हूँ, बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए कि मैं बीएचयू में नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उनको लेकर ये समर्पित है। और सबसे बड़ी बात है, जो बीएचयू को क्वालिफाई भी किए हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन का वीडियो है, यानी दोनों पहलुओं पे हम ध्यान रख के ये वीडियो लेकर आए हैं। और आप देख रहे होंगे पीछे में, तो बीएचयू का जो है पूरी तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीएचयू का जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार है इसके साथ साथ वहाँ पे क्या क्या होती है, मतलब महत्वपूर्ण ड्रेस को आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बहुत दिन के बाद मोटिवेशन वीडियो आ रहा है और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए भी होगा जो 2021 में बीएचयू एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि अब आप लोग का जो है सेटअप तैयार हो जाना चाहिए अगली साल यानी 2021 के लिए। लेकिन मैं इसमें बताना चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। पहला नंबर यह है कि आपको बीएचयू में कोई भी कोर्स में एफिलेटेड कॉलेज में भी एडमिशन मिले तो आप एडमिशन ले लीजिए, मेन कैंपस में भी एडमिशन मिले तो एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने रिजल्ट से खुश नहीं है। बहुत कम ही स्टूडेंट है जिनका रैंक बहुत बढ़िया है वो खुश है, क्योंकि उनको हॉस्टल भी मिलेगा और बढ़िया सब्जेक्ट भी मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस कारण खुश हैं, नाखुश हैं क्योंकि उनका नंबर बहुत कम आया है। बहुत सारे स्टूडेंट इतना में नाखुश हैं, उनका डीएवी में हो रहा है, मेन कैंपस में नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट नाखुश हैं कि मेन कैंपस में हो रहा है लेकिन हॉस्टल नहीं मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी नाखुश हैं कि उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, यानी हर प्रकार से स्टूडेंट नाखुश हैं। तो पहला नंबर है कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, ऑलवेज हैप्पी रहिए। मैं बता रहा हूं जो 2021 में एग्जाम देंगे बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल के का, तो बीएचयू कॉन्सेप्ट ऑनलाइन तैयारी करवाती है, आपको पता है। बीएचयू कॉन्सेप्ट का बेस्ट रैंक 5 और 6 है, टॉप 100 में 25+, जो कि एक बड़ी डाटा है, वो बीएचयू कॉन्सेप्ट ने रिजल्ट दिया। उन सभी स्टूडेंट का मेहनत और बीएचयू कॉन्सेप्ट का मेहनत के कारण ये सफल हो पाया, इसीलिए आप 2021 में बीएचयू एंट्रेंस बीए और आर्ट्स का तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़े और जुड़वाए। अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन है, जिन स्टूडेंट को मैं बता ही दिया जो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं और 2021 में भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, बशर्ते मेरा एक बात को ध्यान से सुनेगा, अगर आपका 12th इसी वर्ष हुआ है तो आराम से 1 ईयर ड्रॉप ले सकते हैं, यानी एक साल के बाद आप अगले साल एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपका पहले से ही ऑलरेडी ड्रॉप है, गैप ईयर है, तो मैं कोशिश आप लोग को यही कहूंगा कि अब आप लोग पीजी में बीएचयू आने की कोशिश कीजिए, पीजी में बीएचयू आने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए कि हम पीजी में बीएचयू में जाएंगे, आपको जो आपने मेहनत किया उस मेहनत के हिसाब से आपको मिला और उसे स्वीकार कीजिए, स्वीकार करना आपका कर्तव्य है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपका जो मैं बता रहा था पहले जब मोटिवेशन वीडियो में कि हर एक पहलू हर एक समय आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं। बीएचयू जो आ गए हैं वो बीएचयू में पढ़ के अपने आप को बेस्ट बनाएंगे, जो बीएचयू नहीं आ पाए उन्हें मलाल रहेगा कि मैं बीएचयू नहीं पहुंच पाया, तो मन से पढ़िए, आप अपना करियर पे फोकस कीजिए, आप अपना एम पे फोकस कीजिए और आपका जो एम है उस पे निशाना लगाइए और वो पाने की कोशिश कीजिए। आप हर एक इंसान को मैं सफल मानता हूं, मेरा कथन है, मैं ये बात को मानता हूं कि आप कोई भी काम करना शुरू कर दिए हैं तो आप वहीं पे सफल हो गए, क्योंकि आजकल का सिचुएशन ऐसा है कि इंसान पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। आप बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम दिए, एंट्रेंस एग्जाम देके कितना सीखे, इस कोरोना काल में भी आपने मेहनत किया, लगातार दिन रात मेहनत किया, रिजल्ट जो भी मिले उससे आप लोग जरूर
खुश रहिए, क्योंकि अब आने वाला समय आप अगर इसी में सोचते रह जाएंगे कि ये मेरे साथ गलत हुआ, वो गलत हुआ, तो फिर आगे भी खराब होते चला जाएगा। इसीलिए समय है, जो समय मिला है अमूल्य समय है, अभी का समय बहुत अमूल्य है। सिर्फ स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, जिस एम पे आपका निशाना है उस एम पे जाइए और वहां से डायरेक्ट फोकस कीजिए, डायरेक्ट बीएचयू आइए, बीएचयू पीजी में आइए, जो यूजी में आ गए हैं बीएचयू में पढ़िए, जो यूजी में नहीं आ सके जिनका ट्वेल्थ हुआ है वो गन गेट का डोप ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर बीएचयू में फिलेटेड कॉलेज में भी एडमिशन मिले तो एडमिशन लेके फिर से तैयारी कीजिए, बीएचयू कॉन्सेप्ट आपके साथ है, डायरेक्ट बीएचयू आइए। इस वीडियो में सिर्फ मेरा यही संदेश देना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद।